हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यानी कि चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग। तो लास्ट क्लास में हमने समाकलन को बहुत अच्छे से एंड किया है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर कोई दिक्कत है देन आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो आज के लेक्चर हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 8.1 यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला आपका लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कैसे सीखेंगे, इसमें हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने 11th में थोड़ा सा शंकु परिच्छेद में कॉन्सेप्ट सीखा यानी कि कोनिक सेक्शन में जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा था, यानी कि जितने भी कोनिक सेक्शन थे आपने पढ़े थे, कौन कौन से व्रत पढ़े थे, परवलय पढ़ा था, ठीक है, दीर्घ व्रत पढ़ा था। और यहाँ पे आर्थिक परवलय की बात हम नहीं करेंगे। ऑनलाइन तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो उन सबका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन हम लोग आगे क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करेंगे। क्योंकि जब हमको पर्टिकुलर चीज़ का डायग्राम अच्छे समझ आया होगा तभी हम यहाँ पे चीज़ें निकालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर समाकलन के अनुप्रयोग में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये सब चीज़ें तो पढ़ेंगे लेकिन इसका क्या बनेंगे, क्योंकि हमको इन्हीं सब का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एक सर्कल दिया जाएगा, सर्कल का बोल देगा भैया ये वाला पार्ट वाला एरिया निकालिए या प्रथम चतुर्थांश वाला एरिया निकालिए सर्कल के। तो इस तरह के हम लोग यहाँ पे एरिया की ही मोस्टली बात करेंगे। तो एरिया की बात करने के लिए तो लिमिट का आपको तो यूज करना ही करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको कहा था कि लिमिट का कैसे रखते हैं अपर माइंड लोअर, ये अच्छे से कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। क्योंकि मेन काम यहाँ क्या होगा, कैलकुलेशन का ही होगा। थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा स्टार्टिंग है, देन लेकिन आपको फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आपको मेन कैलकुलेशन ही यहाँ पे अप्लाई करना है। और कैलकुलेशन जितना आपका आसानी से हो जाएगा उतनी ही चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, और जैसा कि मैंने बता भी दिया है आपको क्या है समाकलन के अनुप्रयोग क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम किसी ना किसी चीज़ का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यह समाकलन के अनुप्रयोग से आपको लिमिट पता है, चीज़ें आपको पता है, आप किसी भी चीज़ का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, वो चाहे किसी भी तरीके का दिया हो, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्मली आपने अभी तो पढ़ा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला होगा, आयत का क्षेत्रफल निकाला होगा, और यहाँ पे अभी देखिएगा ऐसे ऐसे डायग्राम बनेंगे, उनका हम भी क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। चलिए यहाँ पे हम पहले बात करेंगे क्या, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कल। तो यहाँ पे आपको पता है उम्मीद करते हैं ये वृत्त होता है, और ये आपकी क्या होती है, वृत्त की रेडियस होती है, और रेडियस यहाँ से लेके यहाँ यहाँ सब क्या होती है, बराबर होती है, और ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। जब वृत्त का केंद्र आपका इस कॉमा के हो, रेडियस आर हो, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका वृत्त का समीकरण होता है, कब, जब वृत्त का केंद्र एच कॉमा के हो और रेडियस आर हो। जैसे मैंने आपसे कहा वृत्त का केंद्र आपका 2.3 है, तो यहाँ पे एच की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और रेडियस 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट समझिएगा जो मेन पॉइंट है, जब केंद्र आपका क्या हो, 0.0 मतलब मूल बिंदु हो, ठीक है। तो क्या होती है समीकरण, तो समीकरण आपके बन जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे एक्स माइनस 0 एक्स ही बनेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई माइनस 0 वाई स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कहानी बनेगी, यानी कि जब वृत्त का केंद्र आपका ये होगा तो वृत्त का समीकरण आपका ये हो जाएगा, यानी कि मूल बिंदु जब केंद्र होगा तो वृत्त का समीकरण ये होगा, नॉर्मल जब आपके केंद्र दिए जाएंगे तो वृत्त का समीकरण आपको ये अप्लाई करना है। इन दोनों में कभी आपको ये भी अप्लाई करना पड़ सकता है, आपको ये भी अप्लाई करना पड़ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रख काम करना है कि यहाँ पर उसका केंद्र क्या है। अगर केंद्र इस तरह लिखा हो मतलब क्या, अब केंद्र मूल 0.0 होता है, तो ये सब कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी व्रत में आपको ये सब चीज़ पढ़नी, कुछ अलग नहीं पढ़ना। अब दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट आपको होता है पैराबोला यानी कि परवलय। परवलय मोस्टली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। परवलय कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका एक्स एच के पॉजिटिव साइड बनता है, एक नेगेटिव साइड बनता है, वाई के पॉजिटिव साइड बनता है, वाई के नेगेटिव साइड बनता है। और कैसे कैसे पहचानना है वो मैं आपको सब बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने ए पार्ट लिखा कितना बनता है, यहाँ पे लिखा जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था तो प्रॉपर मैंने सबकी चीज़ें आपको बताई थी और अच्छे से बताया था, इसकी नाभिलंब क्या होती है, ठीक है, सब कुछ मैंने, नियता क्या होती है, सब कुछ बताया था, इसके शीर्ष क्या होते हैं, सब कुछ ऑलरेडी हमने बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इतनी चीज़ें बात नहीं करनी, यहाँ पे जो जो पॉइंट पता होना चाहिए वो हमको यहाँ बताएंगे आपको। तो यहाँ पे बनाते हैं, पहले हमको ये बनाया, अब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो एक्स यहाँ पे कैसा है, एक्स आपका यहाँ पे और यहाँ पे कैसा पॉजिटिव है, यानी कि एक्स आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये एक्स की पॉजिटिव साइड बनेगा। और एक्स की पॉजिटिव साइड क्या है, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, तो एक्स की ये आपकी पॉजिटिव साइड बनेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह इसको मेंशन कर लेना है,
ठीक है। तो उम्मीद है डायग्राम पे ना जाइएगा, चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। बस आपको पॉइंट समझना है, डायग्राम तो अपने आप से ही बनाना है। तो ये इसका डायग्राम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका शीर्ष होता है। तो शीर्ष आपके यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे होता है 0.0। शीर्ष इस चीज़ के शीर्ष क्या हो जाएंगे, 0.0 हो जाएंगे। और ये आप क्या होती, ये आपकी होती नाभि, नाभि होती, ठीक है। नाभि को हम लोग लिखते हैं एफ से, और यहाँ पर लिखा जाता है कितना, 1.0 लिखा जाता है। और यहाँ से जो लाइन जाती है वो क्या होती है, वो आपकी नाभि लंब होती है। तो हमने यहाँ पे सेकंड डायग्राम भी बनाया, क्या ये आपको बताया था, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में बना। यहाँ पे देखिए सेकंड आपका पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स कैसा है आपका, निगेटिव है, ठीक है। तो ये आपकी निगेटिव साइड में बना। सेम वही काम क्या हो जाएगा, ये आपका सीएस हो जाएगा 0.0, और ये आपका एफ यानी कि नाभि हो जाएगा। तो क्या था, -1.0, क्योंकि ये निगेटिव साइड में, इसलिए यहाँ पे एक ऐसा आपका निगेटिव आया। और ये क्या होती है, आपकी नाभिलंब होती है। नाभिलंब जितने भी पैराबोला होते हैं चार, सबकी नाभिलंब क्या होती है, नाभिलंब की लंबाई आपकी 4a के बराबर ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे पैराबोला की। तो हमने यहाँ पे देखिए थर्ड पैराबोला बनाया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब देखो वाई यहाँ कैसा है, वाई आपका पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव साइड बनेगा। आपको पता है ऊपर और नीचे, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है, जिसको देखो हमने वाई पॉजिटिव साइड बनाया। यहाँ पे क्या, शीर्ष तो आपका 0.0 रहेगा क्योंकि ये मूल बिंदु पे टच कर रहा है, बाकी ये नाभि होगी क्या होगी, 0.b होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो एक्स वाला कोऑर्डिनेट इस लाइन पे क्या होता है, 0 होता है, और वाई वाला कितना, चलो ये दूरी आपकी a हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आपका a आ गया। उम्मीद करें इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यानी कि चौथा पैराबोला है आपका। यहाँ पे क्या है, 0.0 है, देन आपको पता है ये वाई की निगेटिव साइड बन रहा है, ठीक है, इसलिए नीचे बनाया। और यहाँ पे क्या होता है, इस लाइन पूरी लाइन पे आपका एक्स 0 रहता है, और वाई ये कहाँ जा रहा है, ऊपर देखिए वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए वाई पॉजिटिव था, और यहाँ पे जा रहा है इसका निगेटिव हो जाएगा। तो यही सब चार फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों यानी कि प्रॉपर इनके जो पैराबोला है, इनका डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये किस तरह का डायग्राम बनेगा, क्योंकि समाकलन के अनुप्रयोग में मेन हम काम करेंगे डायग्राम से ही। एक्चुअली आपने डायग्राम बना लिया किसी भी चीज़ का तो क्वेश्चन निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए मेरे पास सामने डायग्राम पता होना चाहिए किस चीज़ का एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ठीक है, तभी हम लिमिट लेके काम करेंगे। तो उम्मीद करें इतनी बात बिल्कुल समझ आई होगी। चलिए हम बात करते हैं दीर्घवृत्त की। यहाँ पे दीर्घवृत्त लिखा है, ठीक है। दीर्घवृत्त आपको उम्मीद करते पता होगा, दो दीर्घवृत्त होते हैं, यानी कि सेम इक्वेशन तो होती है लेकिन उनके मतलब जो है अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। पहले यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। अब यहाँ पे ये क्या कंडीशन होगी, जो ए स्क्वायर होगा वो आपका बी स्क्वायर से बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे नंबर जो होगा वो बड़ा लिखा होगा किससे, इससे, ठीक है। जब इस तरह की कंडीशन होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला आपका बड़ा है, तो सीधा सीधा ये जो दीर्घवृत्त बनेगा वो आपके एक्स अक्ष पे ही बनेगा। तो ये समझने के लिए बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, 0.0 होता है, और यहाँ पे बात करेंगे ये आपका एक शीर्ष होगा, मतलब 1.0, क्योंकि एक्स अक्ष की बात कर रहा है, एक्स पे एक कट कर रहा है, ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। इधर आएंगे तो रिवर्स, यानी कि निगेटिव साइड आ रहे हैं तो -1.0, ऊपर जा रहे हैं तो बी कट कर रहा है 0.b, नीचे आ रहे हैं तो -0.b। और इसमें प्रॉपर क्या होगा, इसमें आपके दो नाभियाँ होती हैं। यहाँ पे हमने F1 एक बार लिया तो -a.0। अब जरूरी नहीं कि इसको आप F1 कर सकते हैं, इसको आप F2 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा क्या हो जाएगा, a.0, पॉजिटिव साइड तो पॉजिटिव, ये निगेटिव साइड था निगेटिव। उसी तरह सेम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस यहाँ पे दूसरे में ये फर्क है कि इस बार बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो आपका बड़ा होगा किसके, ए स्क्वायर वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर छोटा है किससे, बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे जब ये वाला वाई एच वाला बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये जो दीर्घवृत्त बनेगा वो आपका वाई एच पे ही बनेगा। अब आपको पता है शीर्ष 1.0 -1.0, और यहाँ पे 0.-b, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, ये आपका पॉजिटिव साइड है, इसलिए 0.be, ये आपकी ना भी, ये आपकी हो गई 0.-be। तो इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बना दिए गए हैं, अभी के डायग्राम से आपको पूछेगा कि इस दीर्घवृत्त का एरिया बताइए, तो आपको कभी कहेगा इसका भी निकालना है, कभी कहेगा इसका निकालना है, कभी इसका निकालना, कभी कहेगा पूरे का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक का निकालेंगे, उसके बाद चार से गुणा कर देंगे तो चारों का निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसका निकालेंगे अलग, फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो कहानी बहुत अलग हो जाएगी, आएगा सेम ही आंसर आपका। तो एक का निकालेंगे, उसको चार से गुणा करेंगे, जब दो का कहेगा तो एक का निकालेंगे, उसको दो से गुणा करेंगे, जब तीन का कहेगा तो एक का निकालेंगे, तीन से गुणा करेंगे। तो इस तरह कहानी हमको करनी है, सेम कहानी वही काम करना है कि एक का निकाला तो एक से गुणा किया, दो का निकाला दो से किया, ठीक है, जब चारों का निकालना तो चार से गुणा कर देना है। तो उम्मीद करें मेरी बात बिल्कुल समझ आई होगी, डायग्राम थोड़े से आपको समझ आए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, यानी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन की। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन लिखा है, वक्र वाई स्क्वायर इजल टू एक्स, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का
प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, आप प्रथम पाद के या प्रथम चतुर्थांश के बाद दोनों की सेम होती है, यानी कि आपको पता है कि ये जो है यहाँ पे चतुर्थांश यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ प्रथम की बात बोली गई है तो मान लो भाई यह इसकी बात कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या करता है यानी कि कंप्लीट बोलता तो हम लोग इसका भी लेते यहाँ पर, लेकिन उन्होंने खाली मेंशन कर दिया क्या प्रथम पाद का ही निकालना, यानी कि हमको सीधा ऊपर का निकालना है। उम्मीद करें बात समझ में आएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें के अंदर एक ये दो तीन और चार, यानी इन चारों चीज़ों का जरूरी होना बहुत जरूरी, यानी कि इन चारों चीज़ों से जो चीज़ें बाउंड हो रही होगी हमको उसी का क्षेत्रफल केवल निकालना है बस। ठीक, अब यहाँ पे रियायत करते हैं। अब पैराबोला कौन सा है, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स दिख रहा है मतलब सर एक्स पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव साइड में बनेगा जो हमने बना लिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है एक्स बराबर वन, तो आपको पता है इधर वन टू थ्री फोर चलता है, तो हमने एक्स बराबर वन यहाँ लिया, चार यहाँ लिया, इसके बीच में टू और थ्री भी रखा होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, तो यहाँ ये बोला गया और क्या बोला गया एक्स अक्ष से, तो ये आपकी जो अक्ष होती है एक्स अक्ष तो है, ये जो होती है आपकी एक्स अक्ष हो गई और इधर वाली क्या हो गई, ये भी आपकी यानी कि माइनस एक्स अक्ष हो गई। ठीक है, तो आपको x अच्छी की बात बोली गई, देखो x अच्छे से भी गिरा है, x बराबर 1 से भी गिरा है, x बराबर 4 से भी गिरा है और इस पैराबोला से भी गिरा हुआ एरिया, चारों चीज़ों से गिरा है कि नहीं गिरा है, तो यही हमको एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। अब एरिया आया कहाँ से, देखो लिमिट कहाँ से दे रखी है, एक से लेके चार तक दे रखी है, किसके का नीचे का एरिया, पैराबोला के नीचे का एरिया निकालना है, तो आपको इसी तरह निकालना है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, अभी उम्मीद करते थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखी, आपको एरिया जो भी निकालना है वन से लेके चार तक निकालना है, तो एक से बराबर वन, और याद रखिएगा जिसमें लिमिट होगी उसी में फंक्शन होगा, यानी कि लिमिट आपकी एक्स में है तो आपका फंक्शन जो होना चाहिए वो भी आपका एक्स में होना चाहिए, यानी कि एक्स की लिमिट है तो एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो माफ करिएगा इंटीग्रेशन होगा, और एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने का मतलब क्या, एक्स में ही फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको दिया था कितना दिया था, यहाँ पर चीज़ें आपकी दे रखी थी कितनी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दे रखा था और x बराबर आपको कितना दे रखा था 1 एंड x बराबर कितना दे रखा था 4, तो हमने इनका यूज कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पे हमको x की वैल्यू प्रॉपर रखनी है वहाँ पे, तो y की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा, रूट एक्स आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा और आपका हो जाएगा dx। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो आपका एरिया यही आपका निकाला आएगा, तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे फिर से सुनिएगा, लिमिट क्या है 1 से लेके 4 तक है, हमको ये वाला एरिया निकालना, और ये वाला एरिया कहाँ पे आ रहा है, एक्स बराबर वन से चार जो अभी हमने राइट कर दिया है, और ये जो भी एरिया आ रहा है वो पैराबोला के देखो नीचे का एरिया आ रहा है, यानी कि किससे ढका हुआ है, तो पैराबोला से देखो ढका हुआ है, और यानी कि जितनी भी चीज़ें रखी है सबके बीच का एरिया निकालना है। देखो एक्स एक्सेस, एक्स बराबर एक, एक्स बराबर चार और पैराबोला के नीचे का एरिया, तो आराम से हमने ये चीज़ें यहाँ पर निकाल ली। अब नॉर्मल आपको पता है इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वन से चार, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 dx लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x की पावर 1/2 प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 1 से 4। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बनेगी। अब देखिए यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना, 3/2 आ जाएगा, ये चीज़ ऐसी रहेगी और यहाँ पर हो जाएगा 1 से 4 हो जाएगा, और ये चीज़ कहाँ जाएगी, जस्ट ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी मतलब कांस्टेंट, तो इसको क्या कर देंगे बाहर ही निकाल लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3/2, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे आपका 4 रहेगा। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा, इसको यहाँ पर रखते हैं कितना हो जाएगा, 4^3/2 माइनस का 1 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ चलेगी। अब ये ध्यान रखिएगा 2/3 तो आपका ऐसे रहेगा, इसको लिख सकते हैं 2^2 बिल्कुल लिख सकते हैं, जब ये 2^2 हो जाएगा और 3/2 इसके क्या मल्टीपल में आ जाएगा, माइनस का 1 की पावर कुछ भी हो तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ 2^3 8 होगा और 8 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 14/3 कितना आ जाएगा, 14/3 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा, अब 14/3 तो आपका तो एरिया आ गया, लेकिन एरिया को हमेशा क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई। अब यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको एग्जैक्ट पता नहीं है सेंटीमीटर की बात कर रहा या मीटर की बात कर रहा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या उसके लिए, वर्ग इकाई लिख देते हैं। तो ये चीज़ आपको
आंसर लिखने के बाद मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, अगर मेंशन नहीं करेंगे तो चीज़ें रॉन्ग समझी जाती हैं। ठीक है, तो यूनिट लिखना ना भूला करिए, तो नॉर्मल बस इसी तरह निकलेगा। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत डाउट है दिमाग में, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चीज़ें भी कुछ समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है प्रथम चतुर्थांश में। अब आपको पता चल गया ये प्रथम चतुर्थांश ही होता है, तो हमको इसी में जो भी काम करना करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यानी कि इन चारों का ही मिला के ही आपको जो एरिया घिर रहा है चारों तरफ से, वही एरिया हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब लिमिट किसकी दे रखी है, लिमिट आपकी वाई अक्ष की दे रखी है, लिमिट y की दे रखी है। इसका मतलब फंक्शन किस में होना चाहिए, फंक्शन y में होगा, क्योंकि जिसकी लिमिट उसी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, और फंक्शन y में है तो यानी माफ करिएगा लिमिट आपकी y में है तो इंटीग्रेशन किस में होगा, y की रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि y वाला फंक्शन भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम y के टर्म में ही वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके यहाँ लिखा जाएगा नॉर्मल अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आप बताएंगे क्या यहाँ पे लिमिट कितनी है, लिमिट आप यही कहेंगे देख के इस तरह 2 से 4 की बात कर रहा है, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट आपकी 2 से 4 हो जाएगी, और लिमिट किसकी है, लिमिट आपकी है y की। तो फंक्शन किस में होना चाहिए, y के रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो फंक्शन y के रिस्पेक्ट निकालने के लिए यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगी कितनी, 2√y निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आएंगे, 4 का 2 हो जाता है, वाई पर लग जाएगा, और ये आपका हो जाएगा dy के रिस्पेक्ट में। 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल के आएगा, इंटीग्रेशन 2 से 4, तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा dy हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे करेंगे इतना आएगा y की पावर 1/2 प्लस का 1, तो यहाँ पे रहेगा 1/2 प्लस का 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद 2, और ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2y 1 + 1/2, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी आपका 3/2 आएगा, इसको जस्ट उल्टा करेंगे, चलिए एक बार लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे इसको जब उल्टा करेंगे 2/3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आएगा ही आएगा, तो इसको रख देते हैं कितना आएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस का 2 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, माइनस लगाया, यहाँ पे क्या करेंगे 2√2 बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आ जाएगी, अंदर इसका मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 4 का गुणा अंदर करेंगे कितना आएगा 32 आ जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√2/ कितना आ जाएगा 3, और आपको यह क्या चलेगा यहाँ लिखा जाएगा वर्ग इकाई। मैंने आपसे कहा था कि वर्ग इकाई लिखना मत भूला करिए, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा जिसकी लिमिट होगी फंक्शन उसी में होगा, यानी कि वाई की लिमिट है तो फंक्शन वाई में होगा, वाई की रिस्पेक्ट में किया जाएगा, आप एक्स की लिमिट यूज कर रहे हैं तो फंक्शन एक्स में होगा, तो वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू पर्टिकुलर एक्स के टर्म में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उम्मीद करें मेरी बात बिल्कुल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसी तरह कहानी करनी है, धीरे धीरे आप जब करेंगे चीज़ें सीख जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा है दीर्घवृत्त x² / 16 + y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई लिमिट मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम जिसकी लिमिट अपने मन से यूज करेंगे उसी लिमिट के अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे y की लिमिट पुट कर रहे हैं तो फंक्शन y में होगा, x की लिमिट ले रहे हैं तो फंक्शन x में होगा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आंसर इसका सेम ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए ये दीर्घवृत्त कौन सा, ये पहला वाला या दूसरा वाला, यहाँ देखिए यहाँ पे a² होता था, ये आपका b² होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, इसका मतलब a² आपका बड़ा है। जब a² बड़ा होता तो हमेशा बताया था कि कहाँ पे a² आपका x के नीचे है, इसका मतलब x अक्ष पे बनेगा। अब जैसे ये बड़ा होता तो हम लोग इधर डायग्राम बनाते। ठीक है, सुमित करें समझ चुके होंगे। अब ये क्या होता है, ये आपका पॉइंट आपको अच्छे से पता है कितना होता है, 0.0 होता, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0। इधर क्या चलेगा, जब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे a² = 16, तो a की वैल्यू निकालेंगे क्या +-a, और इधर आपका पॉजिटिव होता है यानी कि +-4 आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ, और इधर आपका निगेटिव होता है तो -4 आ जाएगा, 4.0, और यहाँ पर लिखेंगे कितना आएगा 0.3 आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखा जाएगा 0.-3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे बन गई। अब देखिए हमको यहाँ पे कोई बोला नहीं गया कि हमको प्रथम चतुर्थांश का निकालना कि द्वितीय चतुर्थांश का निकालना, कुछ बोला नहीं गया, इसका मतलब हमको जितना इस एरिया इस दीर्घवृत्त से घिर रहा होगा यानी कि इलिप्स से जितना एरिया घिर रहा होगा सबका निकालना है, यानी कि ये सब कंप्लीट घिर रहा है, घिरने का मतलब ये चीज़ जो प्रॉपर पूरी आई है ये सब यहाँ पे हमको निकालना है एरिया जितना भी है इसका।
ठीक है, तो अब स्कैन एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसा तो है नहीं कि सर हम पहले इसका निकालें, एक पार्ट का निकालें, फिर हम इसका निकालें, सबको जोड़ें, नहीं भाई, हम केवल एक पार्ट का निकालेंगे। उसमें कितने पार्ट है? एक, दो, तीन, चार, चार पार्ट है, सबसे चार से गुणा कर देंगे तो हमको चारों पार्ट का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो ये काम आपको अच्छे से करना है। तो उम्मीद करें मेरी बात समझ आई होगी। ठीक, अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वापस सुनिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, हम एक पार्ट का निकालेंगे, हम उसके चार से गुणा कर देंगे तो अपना एरिया निकल आएगा। तो यहां लिखेंगे क्या? अभीष्ट क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पे हम किसके लिए यूज करेंगे? आप सोच रहे होंगे सर वाई की यूज करिए या एक्स की यूज करिए, लेकिन मोस्टली हम लोग जब कुछ पता नहीं होता तो या कोई अपने मन से यूज करना होता तो हमेशा हम लोग आसानी वाला यूज करते हैं, यानी कि जीरो से लिमिट क्या लेंगे? चार ले। अब या जीरो से आप तीन लीजिए, कोई दिक्कत की बात है, आपका आंसर आएगा। लेकिन यहां हम लेंगे क्या? जीरो से चार। अब हमने लिमिट एक्स के लिए है तो फंक्शन किस में होना चाहिए? एक्स में होना चाहिए। फंक्शन को एक्स में होने के लिए यहां से क्या निकालना पड़ेगा? यहां से निकालना पड़ेगा वाई की वैल्यू। तो यहां पे आपका दे रखा कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजिकल टू 1। तो हमको यहां निकालना एक्स के टर्म में, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम एलसीएम ले जाएगा तो यहां आएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? वाई स्क्वायर बटे 9 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 बटे आपका आ जाएगा 16, और यहाँ पे 16 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 3 निकलेगा, यहाँ पे 4 निकलेगा, अंडर रूट करेंगे 16 माइनस का यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये कहानी यहाँ निकल के आएगी, तो वाई निकल के आया। ठीक है, तो वाई कितना आ गया? 3 बटे 4 अंडर रूट 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आया। देखो, फंक्शन हमने लिमिट एक्स की यूज करी तो फंक्शन हमने एक्स की निकाला। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान समझिएगा। अभी जैसे हम यहाँ 0 से 3 लेते तो हम यहाँ क्या निकलते? यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते तो फंक्शन निकलता वाई के टर्म में, तो यहाँ पर रख देते। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स की जगह वाई हो जाता, वाई की जगह एक्स हो जाता, बस लिमिट आपकी चेंज हो जाती। देखो, 3/4 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसका आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और उससे पहले या तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह लिख देंगे तो और अच्छे से आपको आइडिया हो जाएगा कितना है। 0 से 4 और 3/4 तो हम बाहर ही निकल रखेंगे। 16 को हम लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने आपको प्रूविंग भी करके बताया था, प्रॉपर इसकी हमने एक्सरसाइज भी कराई थी। तो ये कहानी यहाँ पे आई। अब थोड़ा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आप ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़े होंगे कि यहाँ पे क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया तो ये 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3/4। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट, तो पहले क्या आएगा? पहले आपका आएगा 4 रखा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4/2 आ जाएगा अंडर रूट, ये आपका 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे एक्स के, तो ये भी आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का काटेंगे, यहाँ पे 8 आएगा, साइन इनवर्स बनेगा आपका यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ 4/4 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी। अब यहाँ पे माइनस लगाया, अब हमने इसका रखा यहाँ पे, कंप्लीट 0 हो जाएगा। प्लस का यहाँ पे 8 आ जाएगा, साइन इनवर्स। अब यहाँ 0/4 करेंगे, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ बन गई, इतनी आ गई। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू लगाया, अब हमने यहाँ पे 3/4 आ गया, इससे काटेंगे कितना आएगा? ये तो 0 हो जाएगा, सब यहाँ पे 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 8 आया तो यहाँ पे हमने लिखा 8 साइन इनवर्स। ठीक है, 1 कहाँ पे होता है? साइन 90 पे होता है, तो 1 की जगह हमने लिख दिया साइन 90, क्योंकि आपको पता है बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना पड़ेगा, तभी ये साइन इनवर्स यहाँ पे रिमूव हो पाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे साइन 0/0 आएगा, या कर दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स। आपको पता है 0 कहाँ होता है? साइन 0 की वैल्यू ही 0 होती है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, या साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3/4। अब 8 है तो 8 रहेगा, साइन साइन चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा पाई बाई 2 बचेगा। अब साइन साइन जाएगा, यहाँ बचेगा 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे सब हो जाएगा 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे काटेंगे, यहाँ 4 बार में आएगा, फिर 4 से 4 काट देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3π। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी हमने क्या निकाला? अभी हमने टोटल का तो निकाला नहीं, अभी हमने केवल एक का निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 से गुणा नहीं किया था आगे, बात समझ रहे हैं ना। तो अभी हमने केवल एक का निकाला है, अब हमको सबका निकालना है। सबका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे गुणा किया, क्योंकि अभी हमने एक का केवल निकाला था, हमको तो निकालना टोटल का ना, टोटल निकालने के लिए आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको फिर यहाँ भी 4 से गुणा मेंशन करना पड़ेगा, 4 से आप यहाँ मेंशन करेंगे
तो आपको यहाँ भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह आपको चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ भी चार आ जाएगा। और अब यहाँ पे हमने कहीं कैंसिल आउट किया नहीं तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको ठीक लगे, तो यहाँ भी चार आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका चार हो जाएगा। और चार का गुणा जब तीन से करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बारह आ जाएगा। तो ये बारह हो गया। अब एरिया था, एरिया क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें मेरी बात बिल्कुल समझ आई होगी, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न करिएगा, लिमिट रखना मैं आपको सिखा चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ जिसकी लिमिट लगनी है उसी का फंक्शन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कैसे कैसे एरिया आपको यूज करना है। तो उम्मीद करें मेरी बात बिल्कुल समझ आई होगी। तो आज हमने यहाँ पे तीन क्वेश्चन डिस्कस करे, इसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आप आसानी से एक्सरसाइज के पाँच क्वेश्चन तक आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो जस्ट इसी के ऊपर है, बस वहाँ पर डायग्राम इसका जस्ट अलग बनेगा, लेकिन आप जो भी लिमिट यूज करिएगा उसी का फंक्शन यूज करिएगा, देन आपको बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर लिमिट रखना है, चीजें आपकी कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करें मेरी बात बिल्कुल समझ आई होगी। तो इस वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।